नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक टच ऑपरेटेड ऑन ऑफ स्विच सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 555 आईसी। उसके बाद इस आईसी का 2 नंबर और 6 नंबर पिन और 4 नंबर और 8 नंबर पिन हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 100K रजिस्टर और एक 0.22 UF 50 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम इस आईसी के 1 नंबर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 100K रजिस्टर को हम इस आईसी के 3 नंबर पिन के साथ और इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 20K प्रीसेट। उसके बाद इस प्रीसेट का मिडिल पिन हम इस आईसी के 6 नंबर पिन के साथ, प्रीसेट के इस पिन को हम इस आईसी के 4 नंबर पिन के साथ और इस प्रीसेट के इस पिन को हम इस आईसी के 1 नंबर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 ओम रजिस्टर और एक BT136 ट्रैक। उसके बाद इस 220 ओम रजिस्टर को हम इस आईसी के 3 नंबर पिन के साथ और इस ट्रैक के गेट पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस ट्रैक का टर्मिनल 1 पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक पुराना मोबाइल का टच पैड। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस टच पैड में यहां पर 4 पिन्स है। तो दोस्तों, अब हम इसमें से ये 2 जो साइड वाला पिन है, ये 2 पिन के साथ 2 तार ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस तार को हम इस आईसी के 2 नंबर पिन के साथ और इस तार को हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक पुराने मोबाइल के टच पैड से एक टच ऑपरेटेड ऑन ऑफ स्विच सर्किट अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।